शाहरुख खान का जादू उनकी फिल्मों में झलकना अब कम होने लगा है। पिछले कुछ साल उनके लिए कुछ खास नहीं रहे और आजकल सिनेमा जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, ऐसे में कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के लिए ये रफ्तार जारी रखना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकता है। और ऐसा लगता है मानो बॉलीवुड के बादशाह माने जाने वाले शाहरुख खान भी इस स्थिति में कहीं फंस से चुके हैं। जीरो फिल्म जो कि उनकी आखिरी रिलीज हुई फिल्म थी, वह दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और उसके बाद शाहरुख खान कोई और फिल्म साइन करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में उनकी बड़े पर्दे से दूरी भी काफी बनी हुई है। उनके फैंस इस बात को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं और इसी बीच उनका राकेश शर्मा की बायोपिक के लिए मना कर देना उनके फैंस को बेचैन कर देने के लिए काफी था। इसलिए उनके चाहने वालों के लिए हम एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक शाहरुख खान बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयारी कर रहे हैं और पिछले 2 सालों में शाहरुख खान ने कई निर्माता निर्देशकों से मुलाकात की है और कई स्क्रिप्ट को पढ़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें 3 स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी जिन्हें वे साइन कर सकते हैं और इन निर्देशकों के साउथ के फिल्मकार एटली, राजकुमार हिरानी और अली अब्बास जफर शामिल हैं। उन्होंने पीके के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म साइन कर ली है। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे सफल और प्रसिद्ध डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान साथ काम करने वाले हैं और ये इन दोनों का साथ काम करने का पहला अनुभव होगा। अब हमें इसके बारे में पता चल ही गया है तो सवाल उठने तो जायज ही हैं। तो इस फिल्म की कहानी क्या होगी? इस बार शाहरुख राजकुमार हिरानी के साथ मिलकर किस शैली की फिल्म बनाएंगे? इस फिल्म में किंग खान के अलावा और कौन कौन से कलाकार होंगे? इसकी शूटिंग कब शुरू होगी और इसकी शूटिंग कहां पर होगी? शाहरुख की हीरोइन कौन होगी और इस फिल्म का टाइटल क्या होगा? क्या हिरानी की फिल्म शाहरुख के करियर को संवारेगी? चलिए इन सब सवालों के जवाब खोजते हैं। बताया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी साल अक्टूबर में करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इस फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू होगी और प्री प्रोडक्शन वर्क खत्म करने के बाद अगस्त में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन कोरोना संकट की वजह से ये आगे के लिए टल गया है, लेकिन अक्टूबर भी इतनी दूर नहीं। अब अगर बात करें कि इसकी शूटिंग कहाँ होगी तो बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग कनाडा, पंजाब, लंदन और गुजरात में अलग अलग लोकेशन पर होने वाली है जिसका लंबा शेड्यूल होगा। हिरानी और उनके कोलैबोरेटर अभिजात जोशी के अलावा स्क्रीन राइटर कनिका ढिल्लो भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुकी हैं। इसकी स्क्रिप्ट कनिका लिख रही हैं और कनिका ने पिछले कुछ सालों में केदारनाथ, जजमेंटल है क्या और मनमर्जियां जैसी फिल्मों से अपनी पहचान को बनाया है। अगर बात फिल्म के विषय और शैली की करें तो ये फिल्म एक हिंदी में इमिग्रेशन ड्रामा पर आधारित होगी और ये फिल्म हल्की फुल्की इमोशनल भी बनाई जा रही है और ऐसे में ये लोगों को पसंद भी आ सकती है। जहां तक शाहरुख के करियर की बात करें तो लग ये रहा है कि अगर शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म में काम किया तो वह फिल्म यकीनन बीते एक दशक की शाहरुख की सबसे बड़ी फिल्म में से एक होगी। शाहरुख खान के लिए राजकुमार हिरानी की ये फिल्म इसलिए खास है कि बीते 5 साल के दौरान शाहरुख खान की आई सभी फिल्में औसत के करीब रही हैं, चाहे फैन हो, जब हैरी मेट सेजल हो या जीरो। इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने बुरी तरह नकारा है। आलम यह हो गया है कि शाहरुख खान को लोग डूबा हुआ सितारा समझने लगे हैं। ऐसे में शाहरुख खान के करियर को दिशा और अच्छी दशा में पहुंचाने के लिए एक अच्छी फिल्म और अच्छे डायरेक्टर की काफी जरूरत है। बीते कुछ वर्षों के दौरान शाहरुख खान की जितनी भी फिल्में आई हैं उनमें या तो स्टोरी अच्छी नहीं थी या उनके डायरेक्टर शाहरुख खान के स्टारडम और स्टोरी डिमांड को संभाल नहीं पाए। शाहरुख खान के फिल्मी करियर में राजकुमार हिरानी का आना किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह है। इसका कारण ये है कि एक तरफ शाहरुख खान न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टार हैं, वहीं राजकुमार हिरानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल डायरेक्टर में से एक हैं। राजकुमार हिरानी आर्ट एंड क्राफ्ट की बारीकियों पर काम करते हैं और स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग और डायरेक्शन की कमान संभालते हुए दर्शकों के सामने ऐसी फिल्म प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें हंसाती है, रुलाती है, सोचने पर मजबूर करती है और अंदर तक झकझोर देती है। राजकुमार हिरानी की फिल्मों में ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, अपनापन और जीवन की हकीकत दिखाती है, चाहे मुन्ना भाई सीरीज की फिल्में हो, थ्री इडियट्स हो, पीके हो या संजू हो। इन सभी फिल्मों ने सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन नहीं किया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इतनी कमाई की है कि लोग देखते ही रह गए। अब राजकुमार हिरानी शाहरुख खान के साथ वही जलवा कायम करना चाहते हैं।
ऐसे में यकीनन ये फिल्म शाहरुख खान का फिल्मी करियर सवार सकती है। तो इंतजार रहेगा इस जोड़ी के कमाल का बड़े पर्दे पर उतारने का। इस फिल्म से सभी को, खासकर शाहरुख के फैंस को काफी उम्मीदें हैं। तो देखना यह है कि फिल्म इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। स्क्रिप्ट लिखी है कनक शर्मा ने।